नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। कुंभ राशि के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बुध का राशि परिवर्तन हुआ है। बुध उच्च राशि में कन्या राशि में प्रवेश कर गया है और शुक्र छठे भाव में है, सूर्य इनका सातवें भाव में है, मंगल चौथे भाव में है, गुरु सेकेंड हाउस में है। तो बहुत सारे प्लैनेट जो हैं आपकी फेवर में आ चुके हैं कुंभ राशि वालों के लिए तरक्की के साधन, और आपके आगे धन के मार्ग खुलने वाले हैं। शनि इस समय वक्री चल रहे हैं बारहवें भाव में, लेकिन शनि आप धीरे धीरे अपना जो जिसको कहते हैं वक्री पीरियड का प्रभाव है, जो उसकी टेढ़ी दृष्टि थी, उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि इस समय नवांशा चार्टा में आपका कन्या राशि में चल रहा है। कन्या राशि में जब शनि चलता है तो आपके जीवन में बहुत फ़ायदा देता है और आपका व्यापार बढ़ता है। कन्या राशि जो होती है व्यापार की ट्रेड की होती है, कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, और आपके जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज होगी उसमें भी फ़ायदा करता है। बुध की राशि में नवांशा में शनि का आना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि छः नंबर की राशि आपकी आठवें भाव की राशि होती है जो हिडन मनी की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि शनि का जो अब ग्राफ है वो आपकी तरफ काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है। जैसे अगस्त का महीना ऑलमोस्ट हम पार कर चुके हैं और अब सितंबर के महीने की तरफ हम जा रहे हैं, तो सितंबर में महीने में आप देखेंगे कुंभ राशि वालों को बहुत बड़े आपके जीवन में परिवर्तन आने वाले हैं। शुक्र भी कुछ दिनों में आपका छठे भाव से सातवें भाव में आपका प्रवेश कर देगा, सूर्य के साथ युति बनाएगा, पार्टनरशिप के काम से आपको फ़ायदा मिलेगा, पिता से लाभ मिलेगा, पत्नी से सहयोग पूरा मिलेगा, नए काम की शुरुआत आपकी होने जा रही है। तो जो ग्रहों का जो आपका योग है वो टूवर्ड्स आपके ग्राफ ऊपर की तरफ अब जाना शुरू हो रहा है। आपको घबराने की बात नहीं है, सिर्फ शनि के आपको उपाय ज़रूर करने हैं। और बुध कन्या राशि में जब उच्च का जाता है एट्थ हाउस में, तो आपको ट्रेड में फ़ायदा करता है, आपके रिसर्च वर्क में फ़ायदा करता है। जो आईटी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत सिद्ध होने वाला है। इंटेलिजेंसिस में बुध का बहुत बड़ा रोल होता है। एट्थ हाउस से ट्रांजिट होना आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है। गुरु के साथ जब भी इसका योग बनता है, गुरु उस राशि को देख रहा है और बुध अपने सेकंड हाउस को देख रहा है, तो आपको हिडन मनी, अनएक्सपेक्टेड मनी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकती है। धन की मात्रा आपकी बढ़ने वाली है, आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है, आपकी स्पीकिंग पावर, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ने वाले हैं। सितंबर के महीने का आपका बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। और आपको मालूम है कि बुध जब एट्थ हाउस से निकलता है तो आपको जो आपने कार्य कहीं सोचे होते हैं, कुछ सिद्ध करने वाले आप सोचते हैं कि मैं ये कार्य सिद्ध करूंगा, उसमें आपको फ़ायदा मिलता है, यानी कि सोचा हुआ कार्य आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। इसमें बुध जो है कार्य सिद्ध करता है। सिद्धि कहते हैं, सिद्धि किसी चीज़ की प्राप्त करना, जैसे हम तपस्या करते हैं किसी चीज़ में तो हमें सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे व्यापार में नौकरी में हम जब कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका फल हमें मिलता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी बुध पर पड़ रही है। बुध क्योंकि आपके पंचम भाव का लॉर्ड है, आपको संतान से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, संतान से आपको फ़ायदा मिलेगा, हेल्थ पे भी आपको थोड़ा सा आप इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध आपका अष्टम में उच्च का हो गया। आपकी कोई मेडिसिन आपको शरीर को लगेगी और आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। शुक्र भी आपका जो छठे भाव से निकलकर जब सातवें भाव में जाएगा तो और आपके जीवन में चार्मिंग, एंटरटेनमेंट, आपके व्यापार में तरक्की लाएगा, भाग्य में वृद्धि करेगा, क्योंकि शुक्र आपका नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है और दूसरे भाव का लॉर्ड है। धन, प्रॉपर्टी, आपके वाहन सुख का कारक ग्रह शुक्र आपको यहाँ पर देने जा रहा है। सेप्टेम्बर के महीने में आपके बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली है। तो कुंभ राशि वालों का जो सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। ग्रहों का जो योग है वो आपकी फेवर में आ रहा है। और मंगल, देखिए मंगल की अगर बात करें, मंगल चौथे भाव में आपका इस समय ट्रांजिट कर रहा है। चौथे भाव में मंगल आपके लिए भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी का योग बनाकर लेकर आ गया है।
घर के कोई कंस्ट्रक्शन का काम, जैसे आप ज़मीन लेते हैं कोई कंस्ट्रक्शन का काम आपका शुरू हो सकता है। और तीसरे भाव का लोड है मित्रों से सहयोग आपको मिलेगा, आपके घर में आपके भाई मित्र आपके आ सकते हैं मिलने। और राहु पीछे बैठा हुआ है, भाई मित्रों को आपकी बहनों को हेल्थ में नुकसान भी ये दे सकता है राहु, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपको इसका सलूशन भी साथ में मिल रहा है। ये जो सितंबर का महीना है आपके लिए रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, गुरु की दृष्टि भी आपकी सीधी शुक्र की राशि पर पड़ रही है। शुक्र की राशि पर जब गुरु की दृष्टि जाती है तो एक शंख योग का निर्माण होता है और आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहे हो और आपकी वाणी से आपको फ़ायदा मिल रहा है। कुटुंब परिवार में जो गुरु का आना सेकंड हाउस में पारिवारिक चीज़ों को जोड़ रहा है और आपके बैंक बैलेंस में कोई रुका हुआ धन आपको यहाँ पर मिलेगा, आपकी फैमिली से सपोर्ट मिलेगी। जैसे गुरु की दृष्टि आपके अष्टम पर जाएगी, रिसर्च वर्क में आपको फ़ायदा मिलेगा। गुरु की दृष्टि आपकी टेंथ हाउस में जाएगी, व्यापार में वृद्धि मिलेगी। मंगल के ऊपर दृष्टि जा रही है, मंगल उसको देख रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कार्यक्षेत्र में वृद्धि के पूर्ण योग आपके सितंबर के महीने में बनने वाले हैं। और सितंबर के महीने में आपकी यात्रा का योग भी बन रहा है, क्योंकि शनि ट्वेल्थ हाउस में आपका 27 डिग्री का रहेगा और ये मंगल के नक्षत्र में रहेगा, मंगल चौथे भाव में, कोई इन्वेस्टमेंट का योग बन रहा है प्रॉपर्टीज़ में। कुल मिलाकर आपका बहुत अच्छा योग बन रहा है। नवांशा चाटा में भी आपका जो इस समय शनि की स्थिति कन्या राशि में जो बनी है वो आपके लिए वरदान सिद्ध होने वाली है, आपकी नए बिजनेस की शुरुआत यहाँ पर दे रहा है। आप जो जॉब करते हैं, जैसे वर्क करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं या प्राइवेट सर्विस में हैं, आपकी एफिशिएंसी में वृद्धि होने वाली है। आपकी बॉडी में एक नई ऊर्जा का संचार आपको मिलने वाला है। राहु आपका पराक्रम से ट्रांसिट कर रहा है तीसरे भाव में, आपको एक जिसको कहते हैं एक शरीर में एक नई ऊर्जा राहु दे रहा है, आत्म बल दे रहा है। तीसरे भाव में राहु आत्म बल प्रदान करता है। राहु तीसरे भाव घर में हो तो आपकी छोटी मोटी यात्राओं से भी लाभ देता है। केतु आपका नवम भाव में ट्रांजिट कर रहा है। केतु जब नवम भाव में ट्रांजिट करता है तो आपकी धार्मिक यात्रा और धर्म के कार्य में आपकी रुचि बढ़ती है। बहुत सुंदर योग आपके, देखिए आपकी केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र में आपका मंगल, सूर्य, शुक्र, ये तीन ग्रह तो आपके चलेंगे। केंद्र में जब ये तीन तीन ग्रह आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके केंद्र को, अगर आपका लग्न है या राशि है तो आपके केंद्र को बल मिलता है। जब केंद्र को बल मिलता है तो आपके जीवन में नए जीवन की शुरुआत होती है, नए कार्य की शुरुआत होती है और आपके काम में वृद्धि होते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ जो जुड़े हुए हैं कुंभ राशि वाले, उनके लिए भी ये वरदान सिद्ध होने वाला। जैसे शुक्र आपका सेवंथ हाउस में जाएगा, आपकी पत्नी से सपोर्ट मिलेगी या पत्नी के भाई आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सिद्ध होने वाली हैं। यानी कि कुल मिलाकर बिल्कुल आपका जो है जो टाइम है पॉजिटिविटी वो शुरू होने वाली है। शनि का जैसे अक्टूबर के महीने में ये मार्गी होगा तो आप देखेंगे कि जो सितंबर और अक्टूबर का आप जो वर्क करेंगे वो आगे जाकर आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि शनि का ये अंतिम दौर चल रहा है। शनि की डिग्री भी वृद्ध अवस्था में 27 डिग्री पर चल रही है और शनि जनवरी में अपनी मकर राशि छोड़ते हुए आपका कुंभ राशि में जैसे प्रवेश करेगा तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार आपको देखने को मिलेगा। ब्लू आप कलर पहन सकते हैं, लाइट स्काई ब्लू आपका फेवरेबल कलर है, आप उसको जरूर धारण करें। उसकी आप शर्ट भी पहन सकते हैं या उसका एक रुमाल जेब में रख सकते हैं, क्योंकि उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जो डार्क ब्लू कलर होता है वो राहु का कलर होता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए आप नीलम भी पहन सकते हैं, लेकिन नीलम की टेस्टिंग के बाद ही आपको, या आपकी कुंडली की जांच के बाद ही आपको पहनना चाहिए, ऐसे नहीं पहनना चाहिए। इसका उपरतन लाजवर्त भी होता है और नीली भी इस कहते हैं शनि का उपरतन, वो भी आप पहन सकते हैं। तो शनि के मंत्रों का जाप आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्रहों की स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है, यानी कि बैंक बैलेंस में गुरु बैठा हुआ है, मंगल चौथे भाव में बैठा हुआ है, सूर्य सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है, शुक्र भी सेवंथ हाउस में आ रहा है, बुध उच्च का हो गया है, बच्चों की तरफ से भी खुशी का समाचार
और कोई सडन आपको बच्चों की तरफ से एक अच्छा रिज़ल्ट सितंबर के महीने में मिलने वाला है। सितंबर के महीने की आपकी जो रेमेडी रहेगी वो आपकी राहु केतु की रहेगी। आप इसके मंत्रों का जाप रात को करें या फिर काले कुत्ते को दूध जरूर पिलाएं या रोटी दें। इससे क्या होता है कि जो शेडो प्लैनेट है वो शांत रहते हैं। ये कुंभ राशि का सितंबर का महीना हमने आपको बताया। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।